असलम एवरीबाडी वेलकम बैक टू आवर चैनल मेरा नाम है रेहान एंड टूडे वी आर हेयर विद इन यर टूटोरियल तो गाइज़ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टॉप फिफ्टी क्वेश्चन ऑफ़ जी के एंड जी एस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री पोल्टी जियोग्राफी और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑफकोर्स यहाँ पर हम साइंस को भी इंक्लूड करेंगे देखो ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए वी एल डब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए और उसके बाद जो पटवारी एग्जाम आने वाला है या बाकी जो भी अन्य एग्जाम आएंगे स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये याद रखना ये जो वीडियो होने वाली है हमारी वन लाइनर के फॉर्मेट में है ठीक है यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा और इसके साइड में आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा तो आप आ, कहीं पे स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं तो आज हम इस वीडियो में यही सब पढ़ेंगे जियोग्राफी हिस्ट्री एंड पोल्ट्री और ये जनरल जी की होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बट बार आगे बढ़ने से पहले कहेंगे कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है द रेशियो ऑफ़ वेर्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज कहता है जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी वेर्थ और लेंथ की बात करें उसका जो रेशियो है वो कितना है तो याद रखना उसका रेशियो ऑलवेज टू रेशियो थ्री होगा ठीक है ना तो ये ऑलवेज इसी फॉर्मेट में होने वाला है तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना ठीक है दूसरा क्वेश्चन कहता है वेन वाज द रॉबलेट एक्ट पास तो ये जो रावलेट एक्ट हुआ था ये कब हुआ था यह हुआ था 1990 के याद रखना इसको इंडियन कहते थे ये एक ब्लैक लॉ था क्या था ब्लैक लॉ था और इस लॉ के अंदर क्या होता था कि आप किसी भी बंदे को उठाकर जेल डाल सकते हो मोस्टली ये था कोई भी अगर एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ कर रहा है उस टाइम में अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है तो उसको आप उठाकर जेल में डाल सकते हो उसके लिए ना कोई ट्रायल होगा ना कोई प्ली होगी ना कोई ना दलील ना अपील ना वकील ये इसके मतलब इसका एक निचोड़ था इसका ये ठीक है और इसको इसको लेकर लोगों ने क्या किया था प्रोटेस्ट किया था डिफरेंट जगह पे और अब अगर हम देखें तो इसी के बाद होता है यहां पर जलियां वाला बाग मसक्कर जलियां वाला बाग मसक्कर की बात करें तो अगर हम उसका मेन रूट देखें तो असल में कुछ लोग कुछ लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियां वाला बाग अमृतसर के अंदर और वो था विसाखी का दिन थर्टीन अप्रैल थर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइनटी क्यू ठीक है बट यहाँ पे कुछ लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जल्दियों बाग के अंदर और इनफैक्ट ज़्यादा नहीं थे इनफैक्ट दो कांग्रेस के जो अदाकारी दो कांग्रेस के जो नेता थे उनको पकड़ लिया गया था उनका नाम था एक तो सियाफुद्दीन कुचलू था और दूसरा सत्यपाल मलिक थे इन दोनों को पकड़ लिया था और उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर ताकि उनको उसको उनको रेस्ट से बाहर निकाला जाए उसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था और वहाँ पर जल्लियां बाग में शक्कर होता है बट अगर हम देखें तो उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो यही राउलट एक्ट था आई होप आपको ये समझ आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई कबीर वाज द डिसिपल ऑफ जो कबीर था वो किसका डिसिपल था डिसिपल मतलब शागिर्द हम बोलें स्टूडेंट बोलें या वो किसका शिक्षा था तो याद रखना वो रमानंदा का वो डिसिपल थे मैंग्रोव फरेस्ट आर फाउंड मैक्सिमम इन वेस्ट स्टेट अच्छा ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये होते क्या है इसका आंसर तो पहले वेस्ट बंगाल है ये कुछ तरह के फरेस्ट होते हैं देखो हमारे पास डिफरेंट तरह के फरेस्ट होते हैं जिस तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉरेस्ट एंड इसमें अगर मैं टाइप लिखू तो कुछ आते हैं एवर ग्रीन फॉरेस्ट कुछ आते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट कुछ आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट कुछ आते हैं टुंड्रा फॉरेस्ट और इनमें एक किस्म आ जाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट की ठीक है मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो होते हैं सलाइन वाटर के अंदर जहां पे सलाइन वाटर आपको मिलेगा जहां पर ईस्टरीज आपको मिलेगी मतलब मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर प्लस मेरीन वाटर जहां पे यह वाला इको सिस्टम पाया जाएगा ना भाई वहीं पे आपको मैग्रोव मिलेंगे ठीक है और इंडिया की बात करें तो यह है वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा ठीक है ना और वहां पे यह जाने जाता है सुंदर के सुंदरबन के नाम से ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हु इज आथर ऑफ द बुक जियोग्राफी का ठीक है ये इनफैक्ट द फर्स्ट बुक थी ज्योग्राफी के अंदर और इसके बाद क्या होता है जियोग्राफी का आगाज होता है एज ए सब्जेक्ट और अगर हम देखें तो ये बुक लिखी थी कि इसका आथर जो था वो था थीनिज थे क्या थे भाई उनका नाम था एरेस्तो अब ये अरेस्तो थे कौन याद रखना है? ये एक पहले अगर हम बात करें रोमन और ग्रीक टू बी मोर प्रिसाइज में बोलूँ तो ये एक ग्रीक बहुत बड़े स्कॉलर थे फिलोसफर थे इन फैक्ट द फर्स्ट टाइम उन्होंने जियोग्राफी का कंसेप्ट दिया था कि ज्योग्राफी होता क्या है जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ which is the home of the मैन काइंड ठीक है ना विच इज़ द होम ऑफ द मैन काइंड तो ये डिफिनीशन दी थी अडस्त तो थी इनने और अगर हम बात करें तो ये प्रोफेशन से पहले एक लाइब्रेरियन थे ठीक है ना अब हम देखें तो आजकल के दौर में डिफरेंट लोग होते हैं डिफरेंट पोजिशन पर और उनको हर एक अलग अलग लेवल देखा जाता है ठीक है कोई बोलता है मेरा प्रोफेशन अच्छा है कोई बोलता है मेरा ओवरऑल तो देखें जिस तरह मिसाल के तौर पर इंडिया में बात करें आई ए एस अदाकारी की ठीक है थीके? जो आई एस अधिकारी होता है तो उसकी पोजिशन कुछ मतलब स्ट्रांग मानी जाती है हाई मानी जाती है बट इन्शन टाइम में देखें तो जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट पोस्ट हुआ करती थी वो थी लाइब्रेरियन की

इज द अदर नेम ऑफ मतलब फुल्स गोल्ड मतलब ऐसा गोल्ड जो लोगों को बेवकूफ़ बना देता होता तो नहीं है बट अपेयरेंस उसकी जो होती है वो गोल्ड लाइक होती है उसकी जो शाइनिंग होती है उसकी जो चमक होती है वो बिल्कुल गोल्ड की तरह होती है तो आप मुझे बताएंगे कि, कि किसको फुल्स गोल्ड कहा जाता है तो याद रखने इसको आयरन पायराइट को फॉल्स गोल्ड कहा जाता है फूल्स गोल्ड कहा जाता है आप फाल्स गोल्ड भी बोल सकते हैं एक ही बात है अगला क्वेश्चन वट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी बी ठीक है ना स्टॉक मार्केट को जो क्या करता है स्टॉक मार्केट पर जो चेक एंड बैलेंस रखता है जो कंट्रोल करता है उसको सी बी कहते हैं सी बी की फुल फॉर्म किया तो याद रखना यह सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो ये इसकी फुल फॉर्म है ठीक है ना द रथ यात्रा एट पूरी सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी तो जो रथ यात्रा होती है किसके अंदर ओडिशा के अंदर होता है मोस्टली पूरी के अंदर होती है तो ये बताओ कि ये किस हिंदी डाइटी की हिंदू डाइटी जो होती है उनकी किस भगवान को मतलब सेलिब्रेट किया जाता है कि उसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है तो याद रखना ये जगह जगन्नाथ जी के मतलब ऑनर में किया जाता है ये नॉन स्टिक कोटिंग इन यूटेंसल आर मेड अप ऑफ तो ये किसकी बनती होती है तो याद रखना टेफलॉन की बनी होती है ओके okay, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और यार वीडियो को तो लाइक करना बनता है ठीक है ना तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए द कंपाउंड्स विच आर रिस्पांसिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर देखो जो वाटर को थोड़ा बहुत हार्ड कर देता है देखो एक होता है हमारे पास सॉफ्ट वाटर होता है एंड एक होता है हमारे पास हार्ड वाटर होता है फ़र्क क्या है भाई हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में क्या फ़र्क है देखो जो सॉफ्ट वाटर होता है ना उसमें जो मिनरल्स होते हैं या टेबल जो इसको बोले साल्ट जो होते हैं साल्ट कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है तो इसलिए इसको हार्ड कहते हैं और जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें जो साल्ट की कंपोजिशन होती है या साल्ट का जो प्रोपोर्शन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता इसलिए इसको क्या कहते हैं सॉफ्ट वाटर कहते हैं तो अगर हम देखें तो हमारा जो हार्ड वाटर होता है तो इसके पीछे जो मेन एलिमेंट जो uh, कारण है जो मेन एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं बाई ऑफ कैल्शियम एंड मैगनीजियम कैल्शियम एंड मैगनीजियम के जो साल्ट होते हैं वो रिस्पॉसिबल है फॉर वाटर के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी हमारे पास जो एचटीटीपी होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो ये है इसकी फुल फॉर्म ठीक है ना एक होता है एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये असल में एक होता है वेब पेज के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है जिसको हम कहते हैं एच एच टी एम एल तो ये होता है हाइपोटे मार्कअप लैंग्वेज बट यहां पे क्वेश्चन है कि एच टी टीपीटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है कंप्यूटर का क्वेश्चन है मैंने ये भी इंक्लूड किया है हु एन इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मड फोर्स इन इंडिया तो इंडिया के अंदर जो आर्मड फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है और वो कौन है तो आपको पता होगा कि वो प्रेजिडेंट है एंड हमारे जो करंट प्रेजिडेंट है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू ठीक है हुटार्टेड दैट द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया तो होम रूल मूवमेंट की बात करें तो इंडिया में किसने स्टार्ट की थी देखो यहाँ पे अगर आपको दो ऑप्शन है यहाँ पे एक तो है आपके पास एनी परसेंट एंड दूसरा क्या नाम है दूसरा मुझे बताएंगे ठीक है ना देखो दो इंडियन लीडर्स जिन्होंने क्या किया था इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था देखो एक था इंडियन फ्रीडम फाइटर उसका नाम मुझे आप बताएंगे कमेंट सेशन में क्योंकि आप कमेंट नहीं करते आपके लिए और दूसरा था एनी बेसन ठीक है ना अगर हम एनी बेसन की बात करें तो उन्होंने स्टार्ट किया था सेप्टेंबर के अंदर और हमारे ये जो फ्रीडम फाइटर थे इन्होंने स्टार्ट किया था अप्रैल के अंदर ठीक है ना तो इन्होंने पहले स्टार्ट किया था और रानी बिशर्डम ने बाद में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट के थे थी, ठीक है ना देखो तो होम रूल लीग मूवमेंट के अगर हम मुख्तसर देखें तो इसका मतलब था कि हमें सेल्फ ऑटोनॉमी दी जाए हमें मतलब डोमिनियन स्टेटस दिया जाए कि हम लोग अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं या जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको हम खुद डिसाइड करें और अपने हिसाब से उनके लिए लाज बनाए राइट गया चिनाब जेलम एंड चिनाब एंड जैलम ये सबको पता हो गया आसान क्वेश्चन है याद का फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे कौन से पहले प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के जिन्होंने अपने आपस से रिजाइन किया था तो वो मुरारजी देसाई ठीक है इसके ऊपर एक और इम्पोर्टें क्वेश्चन है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने मैगजिमम टाइम पीरियड के लिए बजट को पेश किया था तो मैगजिमम टाइम पीरियड के लिए जिन्होंने बजट को पेश किया था वो थे मुरारजी देसाई और टेन ईयर अगर इनकी बात करें तो उन्होंने टेन ईयर के लिए क्या किया था दस साल के लिए मतलब जो हमारा जो बजट था इसको प्रेजेंट किया था ठीक है बजट की बात करें तो इनको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट को कहा जाता है एंड ये याद रखना है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिला है इसको पोजिशन मिली आर्टिकल वन वन टू के अंदर ठीक है ना आर्टिकल वन वन टू के अंदर बताया गया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो बजट वोट हमने लिया है ये फ्रेंच का वोट है पोगोट और उसका मतलब होता है लेदर बैग ठीक है आई होप इतना समझ आया होगा आपको विच ऑर्गन रिमूवस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्राम द बॉडी अच्छा हमारे हमारे ब्लड से सॉरी तो कहता है हमारे ब्लड से जो नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो ब्लड से कौन सा ऑर्गन निकाल तो इसका राइट आंसर आएगा हमारी किडनी ये काम करती है ठीक है एंड विच ईयर इंडियाज फर्स्ट मिजाइल आर्या बटा वॉज लॉन्चड इनफैक्ट ये सेटेलाइट की भी बात कर लेते हो तो यहाँ पे सैटेलाइट थी इंडिया की जो पहली सैटालाइट थी इसका नाम था आरिया भटा तो वो लॉन्च की गई थी इंडर नाइनटीन सेवेंटी फाइव के अंदर ठीक है ना तो उसके बाद देखोगे तो इसरो ने हमारी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है स्पेस में एंड इसरो इज इस कंसीडर्ड एज द लीडिंग मतलब लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के अंदर जो स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है अगर हम देखें दुनिया में आपको नासा मिलेगा आपको चाइना की एजेंसीज मिलेंगी आपको यूरोप की मिलेंगी बट इंडिया में अगर हम देखें तो स्पेस में इंडिया भी डोमिनेट कर रही है काफ़ी अच्छे से और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो मेन यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है वो है इसरो इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आई एस आर ओ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होप इतना हो गया क्लियर आपको अच्छा अगला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है और ये होता है जेनाटिक जेनाटिक्स में भी इस्तेमाल होता है गैस इज़ यूज फॉर राइपनिंग रॉप फ्रूट्स हमारे पास एक सेब है ठीक है ना कच्चा सेब है अगर आप इसको वक्त से पहले इसको क्या करना चाहते हो इसको मैचर करना चाहते हो राइप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक गैस की जरूरत पड़ेगी उसका नाम है इथाइलिन या एसिटिलीन ये दो गैस हैं जिसके इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं इस फ्रूट को मतलब पका सकते हैं मतलब इसको प्री मैचर कर सकते हैं इसको मतलब मैचर जल्दी कर सकते हैं इससे पहले मैचर कर सकते हैं वट आर द नंबर ऑफ बॉल्स इन सुनो, तो सुनो एक गेम है, उसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितने होते हैं तो ये टू है आगे चलते हैं एंड विज डे दिल्ली वॉज मेड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया देखो कौन सा साल ऐसा था कि जब दिल्ली को बनाया गया था इंडिया का कैपिटल ठीक है तो ये था नाइनटीन अलेवन अच्छा रीज़न क्या होता था क्यों दिल्ली को इंडिया का कैपिटल बनाया गया था इससे पहले जो इंडिया का कैपिटल था वो था कोलकाता ठीक है कौन था कोलकाता मतलब जो हमारा बांग्लादेश की बात करना है हमारा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल ये कंबाइंड किया था हमारा वेस्ट या कंबाइंडली अगर इसको देखें तो ये बंगाल था तो पहले बंगाल का जो कोलकाता शहर था उसको कंसिडर किया जाता है एज द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया बट लेट रन किया जाता है नाइनटीन के अंदर इसको ट्रांसफर करके दिल्ली ले आते हैं ठीक है ना और तब अगर हम देखें तो हमारा जो गवर्नर था वो गवर्नर कौन था गवर्नर एंड वॉइसरे तो तब हमारा जो वॉइसरे था वो था लॉर्ड हॉडिंग ओके और उनको अटैक भी किया जाता है आते वक्त तो ये आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थ्रू विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड इन लीगल राइट ठीक है ना पहले अगर हम देखें तो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था ठीक है ना तो ये था आर्टिकल थर्टी फर्स्ट के अंदर ये फंडामेंटल राइट था इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो आज भी है बट ये क्या था हमारा फंडामेंटल राइट था एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है भाई जब फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट की जाती है अंडर मुराज देसाई के टाइम पर तो इसको हम बना लेते हैं अपना लीगल राइट और फंडामेंटल राइट इसको रिमूव किया जाता है ठीक है तो ये याद रखना ये फोटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवनटी एट के टाइम पर हुआ था वट इज द डरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड अर्थ सिक्स तो अगर हम अर्थ की बात करें तो इसकी रोटेशन की बात करें तो यह है वी डोरेक्शन में किस डायरेक्शन में वी डोरेक्शन में और देखो हमारे जो प्लानट है ना हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल एट प्लानट है ठीक आउट ऑफ टू अगर हम विनस और यूरानस को छोड़कर देखें तो बाकी सभी प्लानट हैं वो वी डेक्शन में मूव करते हैं मतलब वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करते हैं बट विनस एंड यूरानस की बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है ये थोड़ा सा उल्टा मूव करते हैं आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम देखें तो हमें सनराइज होती है फ्रॉम द ईस्ट मश्रक से होता है ना और सनसेट हो जाता है वेस्ट में देखो मैं ये कहता हूं कि सन हमारा राइज सेट नहीं होता बट ये कंसिडर किया जाता है ये होता है ना ट्रेडिशनल ये समझा जाता है अब असल में यह होता है कि अर्थ रोटेट करती है बट हम एज्यूम करते हैं कि सन राइज होता है एंड सनसेट होता है जो कि फैक्ट नहीं है इसी तरह समझ लेते हैं हमें मतलब अपेरेंटली अपेरेंटली ऐसा ही लगता है तो आप अगर आप अवेनेस पे रहते होंगे ना तो आपको जो सनराइज होगा वो ईस्ट से होगा ये बात याद रखना ठीक है अगला क्वेश्चन है वेर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ पे है तो सबको पता है बेंगलुरु ठीक है बेंगलुरु के अंदर बेंगलुरु को आईटी हब कहा जाता है वहां पे सिलिकॉन वैली है उसको ये भी माना जाता है और अगर हम देखें तो जो हमारे पास चेक होता है ना चेक होता है इसकी जो वैलिडिटी की बात करें तो ये थ्री मंथ के लिए होता है अच्छा एक और चीज़ मैं आपको जुडिश्री के हवाले से यहाँ पे बता देता तो हूँ अगर इनफैक्ट अगर कोई बंदा आपको चेक दे रहा है एंड सम हाउ अगर वो क्या हो जाता है बाउंस हो जाता है चेक नहीं हो जाता तो वह एक क्रिमिनल ऑफेंस है क्या है ये क्रिमिनल ऑफेंस है ठीक है और उस बंदे को एक तो फाइन होगा और साथ में उसको जेल भी हो सकती है तो ये बात याद रखना कि अगर कोई आपको मामू बना रहा है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं बिकॉज चेक का बाउंस हो जाना ये क्रिमिनल एक्ट है अगला क्वेश्चन वन डू वी ऑब्जर्व नेशनल साइंस डे तो हमें कब नेशनल साइंस डे को ऑब्जर्व किया जाता है तो याद रखना यह ट्वेंटी एट फेबर को किया जाता है ठीक है ना विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया तो इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन था यह था बैंक ऑफ़ हिंदुस्तान एन इंस्ट्रोमेंट यूज़ फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है ना तो देखो क्या होता है हमारे पास समाल करंट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूँ यह कुछ इस तरह को होता है संभाव ठीक है ना ये नूडल्स होती हैं और यहाँ पे रीडिंग होती हैं ठीक है ना तो सम हाउ मैंने एग्जैक्ट तो नहीं बनाया बट इस तरह का होता है अब क्या होता है कि देखो करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है भाई एम होता है ठीक है एंड पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है हमारे पास वॉल्टीमीटर होता है बट अगर हम देखें तो हमारा जो सिस्टम होता है हमारी जो डिवाइस होती है हमारा जो सर्किट होता है अगर वहां पर माइन्यूट करंट फ्लो कर रहा है बट वेरी लिटल करंट फ्लो कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो डिवाइस के इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं गैलवानोमीटर ठीक है ना गैलोनीटर का यही काम है कि जो हमारा सर्किट है उसमें जो माइन्यूट किस्म का करंट होता है या स्मॉल डिफ्लेक्शन आती है करंट में तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं गैलवानोमीटर का वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नासा एन एस ए सॉरी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एन एस ए सॉरी इट्स नॉट नासा एन एस ए ठीक है हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज कौन थी तो ये थी अना चैंडी एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या होता है विच गैस इज फिलेड विद एन बैलून जो हमारे पास बैलून होते हैं उनमें कौन सी गैस डाली जाती है तो याद रखना इनमें हीलियम गैस डाली जाती है ठीक है ना अच्छा लास्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट हुआ था आप जानते होंगे मिस्टर इंडियन हैकर्स ये यूट्यूब पे नियर अबाउट ट्वेंटी मिलियन से आई थिंक ट्वेंटी मिलियन तक इनके सब्सक्राइबर हैं तो इन्होंने इन ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने इन डिफरेंट तरह के बैलून्स लिए थे एंड वहाँ पर उन्होंने एक तो सी गैस डाली थी एक उन्होंने मैथिन मैथिन हो गया सी एन जी गैस ब्यूटेन वगैरह ये डाली थी दूसरे में उन्होंने डाली थी हीलियम गैस और एक में उन्होंने हाइड्रोजन गैस भी डाली थी और इन्होंने एक नॉर्मल गैस डाली थी तो वहाँ पे काफ़ी मजेदार से ये एक्सपेरिमेंट किया गया है देखो क्या यहाँ पे बताने की बात ये है कि ये जो हीलियम गैस होती है भाई ये लाइट होती है क्या होती है लाइट होती है तो इस वजह से बैलूनस में ये गैस डाली जाती है ताकि बैलून क्या हो जाए मतलब वो ऊपर उड़ना शुरू कर दें ठीक है ना अंदर स्पेस जाना शुरू कर दें एटमासफेयर में कहाँ स्पेस में जाएंगे विच इज़ द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इंडिया की बात करें तो हाइस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है तो याद रखना ये भारत रतन है ठीक है ना पूरे वर्ल्ड की लेवल की बात करें तो जिस तरह हम नोबेल प्राइज को समझे जाते हैं हाइस्ट अवार्ड माना जाता है और वो कितनी कैटेगरी में दिया जाता है छः कैटेगरीज में आपको पता होगा कौन कौन से कैटेगरीज हैं अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत रत्न इज कंसिड एज वन ऑफ द हाइस्ट अवार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मनी मेबर्स आर नॉमिनेटेड बाई द प्रेजिडेंट इन राज्यसभा तो नंबर ऑफ नोमिनेटेड मेम्बर्स जो प्रेजिडेंट नोमिनेट करता वो है वह टोटल ट्वेल्व है राइट नलंदा द नलंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई कुमार गुप्ता ठीक है गुप्ता डायनासिटी के एक बहुत बड़े एक बहुत बड़े किंग थे जिनका नाम था कुमार गुप्ता तो उन्होंने किसकी न्यू रखी थी उन्होंने फाउंडेशन रखी थी नलंदा यूनिवर्सिटी की ठीक है ना आप देखो हमारे पास दो तरह की यूनिवर्सिटी होती थी इंग्लिश पुराने टाइम पर एंशन टाइम की बात करें तो देखो क्या होता है मैं इस तरह मिसाल दूंगा कि अच्छा ठीक है सिंबल बता देते तो, जो नलंदा यूनिवर्सिटी थी भाई ये एक किस्म का मॉडर्न किस्म की वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी और ये मॉडर्न किस्म की थी वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ पे जो बच्चे जाते थे उनको क्या करना पड़ता था उनको मतलब एज़ ए फी देना पड़ता था और वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी बच्चे हॉस्टल में भी रहते थे ठीक है ना तो ये याद रखना नलंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ड बाई कुमार गुप्ता ठीक है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर तो इसलिए यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर ताकि कुछ जम्स होते हैं उसको डिस इनफेक्ट करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वाटर में ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है भाई विच डिजीज इज कॉज्ड बाई बाइट ऑफ मैड डॉग ठीक है अगर कोई पागल कुत्ता आपको काटता है तो आपको राइबीज़ होगी ठीक है ना रीज एक डिजीज का नाम है एंड ये बड़ी महल डिजीज़ है काफी खतरनाक डिजीज़ है एंड अगर कोई पागल कुत्ता आपको काट देता है तो आपको रेबीज डेफिनेटली होने वाली है एंड उसका इलाज है डेफिनेटली आपको इलाज करवाना पड़ेगा अगर इसमें बंदे को क्या हो जाता है इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है है हाइड्रोफोबिया क्या होता कि बंदा डरना शुरू हो जाता है किससे बंदे को डर लगती है पानी से तो वो पानी के करीब जाने से डरता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया है। और ये होती है बैट, आ, बाइट ऑफ मैड है जो पागल को तो उसके काटने से ही होती है विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन तो कॉटन की बात करें तो कॉटन के लिए बेस्ट कौन सी सॉइल है तो ये होती है ब्लैक सॉइल कौन सी होती है भाई ब्लैक सोयल इसलिए आप देखोगे तो इंडिया का जो डकन प्लेटो है वो वेरी फर्टाइल है इन केस ऑफ कॉटन कल्टिवेशन तो इसलिए हम वहाँ पर काटन कल्टिवेशन हैं रीजन है वहाँ पर र्यूगर सॉयल है और रूगुर का दूसरा नाम होता है ब्लैक सॉयल हु हैज़ बिन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया देखो ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन हो गया देखो और असल में मुझे लगता है कि ये यह एक यहाँ पे क्वेश्चन फंडामेंटली गलत है क्यों हमारी हिस्ट्री जब लिखी गई थी तो ये मतलब मॉडर्न ये मॉडर्न यूरोपियन नहीं लिखी है ये बात मानना पड़ेगी आपको एक मैं बात बताता हूँ आपको एक होता है समुद्र गुप्ता से कंसडर किया जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया ठीक है ना भाई नेपोलियन काल का लौंडा है और समुद्र गुप्ता मतलब इतिहास में बहुत पहले आ चुका है ठीक है तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन होना चाहिए था हु इज कंसिडर्ड एज दी समुद्र गुप्ता ऑफ यूरोप तो उसका आंसर होना चाहिए था नेपोलियन बट नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्र गुप्ता यह थोड़ा उल्टा हो गया क्योंकि समुद्र गुप्ता एग्जिस्ट करता था फार अवे मतलब बहुत पहले एग्जिस्ट करता था नेपोलियन से तो आप मतलब रिवर्स नहीं जाके कि किसी लॉ को अप्लाई कर सकते तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना आप इसे डेफर भी कर सकते हैं डोंट वरी फॉर दैट विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया तो यह है गंगा बेसन हु आज द फर्स्ट वोमेन टू स्केल दी माउंट एवरेस्ट तो कौन सी ऐसी पहली वोमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती हैं? तो ये इंडिया से तो ये बचिंद्री पाल थी आ राइट right. अगला क्वेश्चन है वाशिंग सोडा इज नून एज जो वाशिंग सोडा है उसका दूसरा नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला है एन ए टू सी ओ थ्री तो इसको हम कहते हैं वाशिंग सोडा ठीक है आ राइट right. विच सिटी इज़ द सिलिकन सिटी ऑफ इंडिया तो मैंने कहा था सिलिकॉन सिटी सिलिकॉन सिटी का मतलब है जहाँ पे सिम कंडक्टर्स त्रय के जाते हैं या जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हग हब हो इलेक्ट्रॉनिक <laughs> हब हो तो इंडिया के अंदर उसको माना जाता है बेंगलुरु कंसिडर की जाती है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन तो चेयरमैन प्लानिंग कमीशन कौन था जवाहरलाल नेहरू थे ठीक है ना देखो क्या होता है जो चेयरमैन होता है वो पी ही होता है तो अगर हम देखें तो इंडिया का बाई डिफॉल्ट फर्स्ट पी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे एंड बाई हो जाएंगे वो प्लानिंग कमीशन के भी चेयरपर्सन विच गिलेंट इज़ रिस्पांसिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन अच्छा इंसुलिन क्या होता है इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर होती है उसको चेक रखता है ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसके लेवल को चेक रखता है वो जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में ये पन, ये प्रोड्यूस होता है पिनक्रिया से पिनक्रियाज के जो बीटा सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन और इंसुलिन क्या करता है जो आ, शुगर लेवल होता है मतलब शुगर लेवल ब्लड के अंदर उसको चेक रखते हैं उसको ज्यादा नहीं होने देता इनफैक्ट अगर किसी बंदे का पेनक्रिया काम नहीं करता तो उसको एडिशनल लेना पड़ता है बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है ताकि कंट्रोल किया जाए ठीक है, है ना अब देखो किसी को अगर इंसुलिन बाडी में नहीं रिलीज हो रहा है तो उसको एक डिजीज हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं डायबिटीज कहते हैं ठीक है ना शुगर की डिजीज जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज तो मेन रीजन क्या होता है वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस तो देखें तो पहली बार पंचायती राज सिस्टम काम में रूस किया गया था ये राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर नागौर जिले के अंदर नागौर और ये सेकंड मतलब गांधी जयंती के दिन इसको क्या किया गया था अप्लाई किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इतना क्लियर है तो चलो हमारे लिए ये फाइनल स्लाइड है देख लेते हैं इसमें दो तीन चार क्वेश्चन है विच मेटल इज़ यूज फॉर द जनरेशन ऑफ़ nuclear पावर तो न्यूक्लियर पावर के जनरेशन के लिए हमें कौन से मेटल के इस्तेमाल किया कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है और वो यूरानियम का इस्तेमाल किया जाता है एंड अगर हम जे एंड के की बात करें तो लद्दाख के अंदर इसके भंडार मिलेंगे आपको यूरानियम के आर्य समाज बस फाउंडेड बैड आर्य समाज की बात करें तो ये किसने बनाया था ये दयानंद सरस्वती ने बनाया था ठीक है ना अब अच्छा इनको क्या था इनका ये मुद्दा था कि भाई आपको वेदास की तरफ जाना पड़ेगा आपको ये जो ब्लाइंड ब्लाइंड चीज़ें बीच में आ गई हैं ये जो सुपरस्टेशन बीच में आ गई उसको छोड़ के आपको ये मतलब बुक की तरफ आपको जाना पड़ेगा। फर्स्ट जनरल जनरल इलेक्शन इलेक्शन वाज हेल्ड ईयर तो तो पहली बार तो जब हुए सन ऑफ यूपीएस का जो अपॉइंट तो करता है तो याद रखना प्रेजिडेंट uh, के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड टूडेज लास्ट क्वेश्चन इज विच गिल्ड इज बोथ एक्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड तो कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसको इंडोक्राइन एंड एक्जोक्राइन ग्लोड ग्लैंड कंसिडर किया जाता है ठीक है ना अच्छा पहले आपको पता होना चाहिए इंडोक्राइन ग्लैंड एक्जोक्राइन ग्लैंड के होते हैं देखो एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड और ये तो है एग्जोक्राइन ग्लैंड ठीक है ना फर्क है दोनों में देखो ये जो एंडोक्राइन होता है ना भाई ये डक्ट लेस होता है मतलब इसके हाथ इसके साथ नालियाँ नहीं होती बट अगर हम एग्जोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसके साथ नालियाँ होती हैं ठीक है ना तो ये डिफरेंस है एंडोक्राइन ग्लैंड आपका सीधा ब्लड में डालता है जो सिक्रेशन होती है और जो एक्जोक्राइन ग्लैंड होता है वो थ्रो पर्टिकुलर उसके पास जो नालियाँ होती हैं डक्ट होती हैं उसके जरिए क्या करता है डेस्टिनेशन पे वो हारमोन लेके जाता है ठीक है बट ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाए तो जो पेन क्रियाज होता है ये एक्ट करता है एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्टोक्र एक्क्रैंड ग्लैंड ठीक है ना तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आज के जी के, के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी एस सी भी हमने लिए देखो काफ़ी हमने सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस कर दिए आई होप ये आपको ये हमारा जो ये जो आज का सेशन था ये पसंद आया होगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह अहेड